तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बड़े होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे फर्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तो आज हम जाने वाले हैं बलरामपुर टू छत्रपति साहू जी महाराज राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज उतरौला बलरामपुर। भाई नाम बड़ा लंबा है बट दूर भी है उतना। तो अभी हम बलरामपुर से निकल चुके हैं और अभी हम पहला स्टॉप लेंगे उतरौला, और उतरौला में मिलते हैं गाइस। आई होप आपको मजा आएगा बहुत ही ज़्यादा। तो भाई लोग, अभी हम उतरौला पहुँच चुके हैं। उतरौला पर आप ये जो चौराहा देख रहे हैं, ये है फक्कड़ बाबा चौराहा। आप अगर गोंडा से आएंगे तो आप इधर से राइट के साइड से आएंगे, जिधर हनुमान जी की मंदिर दिख रही होगी आपको, तो इधर इस साइड से आप आएंगे। और सीधे अगर आप चले जाएंगे तो आप हाशिमपारा पहले पहुंचेंगे, और हाशिमपारा से आपको फिर लेफ्ट साइड में लेना है। आगे की वीडियो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आप जाएंगे और फिर उसके बाद में आपको सीधे वही रास्ता पकड़ लेना है और चले जाना है। वहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर आपको पड़ेगा, और फिर आप ये रास्ता भाई गोंडा से आएगा और इधर आपको सीधे चले जाना है। फिर अगर आप बलरामपुर से आते हैं तो वही इस साइड से आएंगे, ठीक है। तो फिर आपको ऐसे ही इधर सीधे चले जाना है। और भाई अभी हम मिलते हैं फिर कॉलेज में और देखते हैं क्या होता है कॉलेज में, कैसा लगता है कॉलेज, हम आपको वीडियो में बताएंगे। और बने रहिए हमारे साथ गाइस, एंजॉय करिए। ओ भाई साहब, तो हम लोग गाइस पहुँच चुके हैं अपने कॉलेज, और अभी हम गेट के बाहर चलो एंट्री लेते हैं फटाक से। और हमारे साथ हैं ऋतिक भाई, और अभी हम एंट्री लेते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कॉमिक बॉय को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज। और अभी हम कॉलेज में एंट्री लेते हैं। भाई कॉलेज तो बड़ा ज़बरदस्त है, अभी बन ही रहा है, काम चल ही रहा है, और भाई सब गाड़ी वाड़ी खड़ी है यहाँ पे, ये अपनी सब है भाई मान लो। और बाकी भाई ये गेट है भाई, वाह क्या सीन है भाई, छत्रपति साहू जी महाराज पॉलिटेक्निक। ओके गाइज, तो अभी अंदर चलते हैं फटाक फटाक, ये सीन देख लो। भाई लोग अभी हम रूम में आ गए हैं, ये ऋतिक भाई का कॉलेज है। यहाँ पे भूत प्रेत के डर से यहाँ पे लोग अभी पढ़ने नहीं आते हैं। आप हमारी आवाज़ सुन ही रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा डरावना आवाज़ रहता है। अरे बेकार भाई, बड़ा डेंजर चीज़ है यार ये रूम, देख लो भाई कितना बड़ा रूम है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आता है पढ़ने, ठीक है। अच्छा, पूरा कॉलेज में आपको दिखाऊंगा, अभी एक रूम में आए हैं, ये देखो यहाँ पे पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा है। ये ऋतिक भाई हमारे, ये देखो भाई साहब, गाड़ी स्टार्ट कर। मस्त कॉलेज। तो भाई ये कॉलेज है, भाई देख लो पूरा सन्नाटा है यहाँ पे। सन्नाटा क्यों है, देखो ना ढलता सूरज धीरे-धीरे। ब्लॉग व्लॉग चल रहा है गाइज, ये देखो भाई स्टाफ टॉयलेट, लेक्चर रूम, सब बस बेटा। हाँ बहुत बड़ा घर चल रहा भाई, ये कमरा खुला इसमें है कोई भाई का हमारे लेक्चर रूम में, तो बड़ा रूम में तो टट्टी बना है ये भी है लेक्चर रूम। अच्छा मेरे को टीचर स्टाफ स्टार्ट होता। तो भाई आप लोग देख ही रहे हो यहाँ पे, भाई बहुत बड़ा कॉलेज है भाई। ये क्या चीज़ है यार, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। ओ भाई साहब, भाई बड़ा खतरनाक वाला आ रहा है यहाँ पे सीन, भाई गोश्त को निकलना है यार भाई, चूतिया बनाया तुमको, दिन में थोड़ी ना आएंगे यार, नहीं बहुत उतना निकला है भाई, ये देख रहे हो कितना डेंजर है भाई। कॉलेज मस्त है भाई, यहाँ पे कोई नहीं पढ़ता है क्योंकि ये बहुत डरावना कॉलेज है। भाई हम चलते हैं अभी, देखते हैं क्या होता है। बाकी ये ऊपर जाने का जीना है, ये नीचे का है, और बाकी ये कमरा है, अभी मैं आवाज़ सुनूंगा बालकनी में। चलो भाई अभी चलते हैं बालकनी में। भाई साहब इस टाइम पे यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं भाई, भाई टीवी एंड रेडियो इंजीनियरिंग स्टाफ टॉयलेट लेक्चर, भाई पानी टंकी रखा है, और यहाँ पे कुछ मजदूर हैं लोग काम करने आते हैं शायद से। चलो भाई अभी चलते हैं, ये देखो सेम जीना यहाँ पे भी है, और एक आगे से भी जीना पड़ेगा, इसके ऊपर भी और जा सकते हैं ना, सबसे ऊपर चलते हैं भाई अभी हम, चलो सबसे ऊपर चलते हैं। ये जीना भाई फिर से, और ये सीना इधर भी भाई, इसमें आवाज़ लेते हैं, हेलो
वाह भाई साहब खतरनाक। और ये जीना है यहाँ पे। भाई ये तो बंद है यार, खोलिए भाई साहब। भाई साहब क्या सीन है यार, वाह। हेलो ऋतिक भाई, आ चुके हैं अपने कॉलेज में और अभी हम निकल रहे हैं बाहर कॉलेज के। अभी हम जाएंगे, अच्छा अभी तो अंदर जा रहे हैं, अब मोड़ रहे हैं। अब यहाँ से यार भाई बिजली विभाग वर्कशॉप है, अच्छा ये वर्कशॉप भाई ये सब पूरा भी साफ यहाँ पे हो रहा है। मेन गेट है इधर, अच्छा पहले लिखा तो मेन गेट है ना कुछ भाई, अब देखो मेन गेट ही लिखा। काम नहीं मिलता यार, काम किया भाई बिल्कुल काम मिलेगा आपको यहाँ पे, झाड़ू पोछा लगाने का टाइम पास करने के लिए आ जाना, बाकी कोई बात नहीं भाई। ये अपना बिल्डिंग है, ये कॉलेज है गाइस, सिस्टम है भाई। हाँ भाई गेट बड़ा बकवास है यार, आप देख ही सकते हो सरकारी स्कूल के पास में, सरकारी स्कूल ही है नहीं, ये पूरा शहर ही शहर है भाई। इधर आप देख ही सकते हो, इधर हम हाईवे रोड पे चल रहे हैं गाइस, हैदराबाद भाई हैदराबाद, मतलब कोई भी सिटी ले लो आप, नोएडा ले लो या कुछ भी ले लो, सब फेल है इसके आगे गाइस। आप देख ही सकते हो यहाँ पे भाई रोड कितनी ज़बरदस्त है, और यहाँ पे हम अपने फॉर्चूनर से चल रहे हैं गाइस, देख ही सकते हो हमारा फॉर्चूनर। और अभी हमारा एक हेलीकॉप्टर आया वहाँ पे लैंड कर चुका है, छोटे से गाइस अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भाई खेत वेत बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कमी है क्योंकि यहाँ पे आप मार्केट देख रहे होंगे, सिर्फ दुकान ही दुकान आपको दिख रही होंगी। चलो भाई अभी आराम से चलते हैं, अभी वीडियो बना लो बता। और भाई ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये ऋतिक भाई का भविष्य है, कुछ दिन के बाद ऋतिक भाई भी इसी रोड पे जाएंगे। हम ये बात की भविष्य की बात कर रहे थे, बाकी आप झगड़ी वाला बात समझ रहे हो तो गलत चीज़ है। हम भविष्य की बात ये कह रहे थे कि इसी रोड पे ये फिर से जाएंगे दोबारा भाई, फ्यूचर में आएंगे तो एक नंबर से ज्वाइन करेंगे, तो वो भविष्य की बात आ कि आप जो सोच रहे हो वो भी सही है, आप कुछ भी सोच सकते हो। और बाकी इधर भाई ये गाँव पड़ता है, और आप रास्ता देखते गए जाइएगा गाइस, फिर आप भूल जाएंगे और क्योंकि हम जाते रहिए कि आप रास्ता रुको अटको, आप इधर से फिर जाना है किधर, लेफ्ट जाना है। और जो उधर से आ रहा है वो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेगा, ठीक है। अब चलते रहो, बाकी कुछ ना देखो, रूम देखना भाई, अबे रूम तो देखना है ना। चलो बात करने पहले अंकल जी से, तो गाइस अभी हमारी बात हो चुकी है अंकल जी से, तो उन्होंने कहा इस गाँव में तो रूम नहीं मिल पाएगा, आगे चौराहे पर रूम मिलेगा। बाकी भाई ये देख रहे हो, अमन भाई पहले इसी पर बैठ कर चलते थे, आज तो बाइक हो गई तो बाइक से चलते हैं, पहले भैंस पर बैठ कर चलते थे, ठीक है भाई। रोड तो देख लो भाई, ये मोदी जी का काम है, इधर कुछ कार्रवाई करें फरमाएं। और भाई इधर तालाब ही तालाब है, इधर पानी ही पानी है भाई, बाकी अगर यहाँ पे बच्चे आएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए भाई सरकार कुछ करे। ये भाई इंस्टा पे ट्वीट करेंगे, मतलब ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, इंस्टा पे पोस्ट करेंगे भाई, अभियान चलाएंगे भाई, अभियान चलाएंगे, इसका विद्रोह करेंगे। और रोड रोड पे क्या करते हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे गाइस हम लोग, हमारी मांगे पूरी, हमारी मांगे पूरी करो, सड़क बनवाओ यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को दिक्कत होगी यहाँ पे आने में, बाकी बच्चे तो हम ही हैं पर मन के सकते हैं भाई। रोड देख लो आप, देख ही सकते हो, दुकान दिखा दो भाई, सामान वामान देखिए, वहीं से सामान वामान लेकर चलेंगे। और बाकी ये है मदरसा, देखिए किसी काम का नहीं है मदरसा साहब। और बाकी भाई ब्रेकर तो इतना बड़ा बनवा रहे हैं, लेकिन हाईवे पे चल रहे हो 120 से स्पीड में, तो ब्रेकर है कि स्लो कर लो भाई। अच्छा रास्ता भाई देख रहे, अगर आपकी भी मर्जी है यहाँ पे आने का, इस रास्ते से गुजरने का, तो आप एक बार जरूर आइए, हम आपसे वादा करते हैं कि आप परेशान होकर जाएंगे। ये भगवान क्या जुलूम है भाई, ये जल देखो कितना है भरा है, नदी बना देते भाई, नाला भी बना है, छिलका लेक है, छिलका सीधे सीधे इसका, इसको भाई भाई तो इसको सीधे सीधे भाई नदी बना देते भाई, नाला क्यों नाम दिए इसका, ब्रेकर देखो भाई कितना,
बाकी आप लोग देखते चलिए हमारे साथ, रास्ता मेन है, आप लोग रास्ता याद कर लीजिएगा, क्योंकि भाई ये पुल भैया आप एक बार निकल सकते हैं बट यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ पे मैप भी काम नहीं करेगा। बाकी ये देख लो ऋतिक भाई का भविष्य, भाई दूध की कमी नहीं होगी। अबे इधर क्या देख रहे, सामने देख, आपको यहाँ पे पूरा मिलेगा वो है दूध। तो आप लोग इस रोड पे आ सकते हैं, आप लोग आ क्या सकते हैं, इसी रोड पे आना ही पड़ेगा आपको। चलो भाई मजा लेते चलो रोड पे, रोड का मजा भाई हम ले रहे हैं भाई, इतना ज़्यादा हचका लग रहा है भाई, कमर तोड़ दो भाई। ये देखो रास्ता है, अब यहाँ पे आप बोलेंगे किस तरफ जाना है, तो यहाँ से आपको जाना है लेफ्ट साइड में, समझ रहे भाई, यहाँ पे आपको जाना है लेफ्ट साइड में। और भाई हारन तुम मार दिया करो यार, 120 चल रहा है हमारी बाइक। और ये देखो भाई रास्ता देख लीजिए कितना मस्त रास्ता है, ये देखो सिस्टम भाई, ये देखो एक हेलीकॉप्टर सामने से भी आ रहा है हमारे भाई, ये देखो गड्ढा देख रहे हो, ये छेद नहीं भाई, ये पूरा गड्ढा है भाई। बाकी हमारे सामने एक फॉर्चुनर जा रहा है, इसको हम ओवरटेक करने की सोच रहे हैं भाई, हार ले लो भाई फॉर्चुनर को आगे वाले। बाकी टायर भाई का सामने ओवर भाई, ये इतना लंबा चौड़ा बांध है भाई, ये पूरा का पूरा वो सबसे बड़ा पुल हावड़ा ब्रिज, हावड़ा हाँ डैम के आगे फेल है भाई। हाँ भाई सब कुछ फेल है भाई इसके आगे, ये देख रहे हो भाई मज़ेदार चीज़ है यार ये भाई, इधर से टर्न करोगे इससे टर्न करोगे यार, समझ रहे हो भाई, पेट्रोल अगर बचाना है तो सही रास्ता उधर से आप चढ़ा लो, इधर से गाड़ी बंद कर लो, लुढ़कती चली जाएगी कम से कम 2-4 किलोमीटर भाई, जो पूछेगा उसको बता देंगे रास्ता याद करने के लिए, कि बाद में देख लेंगे किस रास्ते से आए थे। तो भाई ये सीधे रास्ता भी आपको यही पकड़ के रखना है, मतलब जो भी ख़राब रास्ता हो आपको उसी पे जाना है, अगर अच्छा रास्ता दिख जाए तो भाई गाड़ी तुरंत बंद करके घूम लो, तो इसलिए कोई इग्नोर कर लो भाई। यहाँ पे एक इधर है एक इधर है, आपको सीधे चलना है बस। ओ भाई साहब बाबा जी प्रणाम प्रणाम भाई, ये बरगद के नीचे आपके आराम थोड़ी कर सकते हैं, ये रोड बहुत ख़राब है, अच्छा मोतीलाल स्कूल वो भी है, मोतीलाल यादव बालिका इंटर कॉलेज, समझ रहे हो, भाई आप देखिए सकते हो भाई, आपके यहाँ पे भाई रूम नहीं मिलेगा आपको, रूम तो कहीं नहीं मिल रहा है आप लोग को, क्या बताओ रूम कहीं नहीं मिला यार, चलो भाई साहब बाकी भाई ये रिक्शा जा रहा है, इसको देख लो बात भाई, रिक्शा उक्शा चलता है ऑटो ऑटो आप आ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अभी हम आगे आ चुके हैं यहाँ पे, और इस गांव का नाम शायद से पढ़ नहीं पड़ता है, हमारे गाँव कर चुके हैं भाई, इस बरगद के पेड़ को आप भूल मत जाना, आप इधर देख सकते हैं तो भाई बरगद का पेड़ है, इधर एक रास्ता जाता है, और भाई इधर से फिर ऐसे चलना है, यहाँ पे एक गाड़ी आपको मिलेगी बालिका वो मोतीलाल यादव बालिका इंटर कॉलेज, ये गाँव इधर पड़ेगा एक, बाकी इस गाँव का शायद नाम बढ़ नहीं है हमारे ख्याल से, इधर आपको एक दुकान दुकान मिलेगा गाइस, आप देख ही सकते हो। प्राइमरी स्कूल पड़ेगा आपको इधर, एक आंगनवाड़ी केंद्र पड़ेगा, नहीं आंगनवाड़ी नहीं है कुछ और है क्या, लग तो रहा है आंगनवाड़ी है, तो ऑफिस है पता नहीं कौन सी ऑफिस है, कुछ नाम हो पता नहीं भाई, ये देख लो भाई, ये देख लो अपना है। ये हेलीकॉप्टर को कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा था गाइस, ये रोड को ख़त्म होने का नाम ही ना ले रहा है, भाई यहाँ पे अपना ही प्लाट है, आर आर मतलब श्रीवास, मतलब श्रीवास्तव, ये अपना ही प्लाट है, आप देख ही सकते हो यहाँ पे हमने करवा रखा है, LPD पब्लिक स्कूल भाई, ये अपने भाई का है, आप कॉल कर लीजिए उनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई दिक्कत ना है भाई। भाई रूम वूम तो यहाँ पे देखते हैं भाई, अगर देखो भाई किसी से तो पूछो जाओ, भाई इस रोड पे आपको जाओगे तभी मिल जाएगा, इस रोड पे भी जाओगे तभी आपको रोड मिल जाएगा, तो अभी के लिए हम वीडियो पोस्ट करते हैं। तो भाई लोग अगर आपको कॉलेज जाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, रास्ता भूल रहे हैं या कोई भी अन्य समस्या आ रही है, तो आप हमारे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करूँगा।